एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर से गुजरती है मेट्रो, किसने बनाया था एटम बम, और हमारे देश की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है। Hey guys, welcome to study block. Top 5 facts में आइए जानते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग facts. Fact number 1. सोचिए कि बिना किसी मोड़ के कितनी लंबी सड़क हो सकती है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी सड़क भी है जो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा बिल्कुल सीधी सड़क है। ऐसी अजीबोगरीब रोड कहाँ है, आइए जानते हैं। ऐसी रोड बनी है सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में, और इस रेगिस्तान का नाम है रूब अल खाली, जो कि सऊदी अरब के अल हरात को अल बाथा से कनेक्ट करती है। इस सड़क को हाईवे 10 के नाम से जाना जाता है और यह 256 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, यह सड़क दुनिया की सबसे लंबी ऐसी सड़क है जिसमें एक भी मोड़ नहीं है। इतनी लंबी स्ट्रेट सड़क पर सफर आपके लिए रोमांचित होगा या बोरिंग, कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले एटम बम का नाम क्या था, और इस एटम बम को किस देश ने किस देश पर गिराया था, आइए जानते हैं। एटम बम की खोज 1945 में अमेरिकी वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने की थी, और पहली बार जो एटम बम बनकर तैयार हुआ था उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस परमाणु बम को जापान के शहर हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया था। इस एटम बम का वजन लगभग 4400 किलो था और इसकी लंबाई 10 फीट थी। लिटिल बॉय एटम बम ने लाखों लोगों की जानें ली और इसने हजारों घरों को तहस नहस कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी रेल ट्रैक भी है जो कि एक बिल्डिंग के भीतर से गुजरती है। जी हाँ, ऐसा ट्रेन ट्रैक कहाँ है और क्यों बनाया गया, आइए जानते हैं। ऐसी अजीबोगरीब चीजें केवल चाइना में हो सकती है। ये ट्रैक किसी गली या मोहल्ले में बना रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, बल्कि ये एक रिहायशी इमारत के बीच से गुजरता है। ये ट्रैक चीन के एक शहर चोंगकिंग की एक बिल्डिंग से होकर गुजरती है। इस शहर में कई गगनचुंबी इमारतें हैं, जिस कारण से इस सिटी को माउंट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ जगह कम होने के कारण जब रेलवे ट्रैक बनाने का काम चालू हुआ तो बीच में यह बिल्डिंग आ गई, और फिर इंजीनियर्स ने इसी बिल्डिंग के बीच से रेल ट्रैक को बनाया। यहाँ 19 मंजिला इमारत के बीच से रेलवे ट्रैक गुजरती है। यह दुनिया भर के लिए आश्चर्य की बात है। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए एक अलग से रेलवे स्टेशन भी है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में सबसे आखिरी जमीन का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। उस जमीन के आगे हमारे देश की जमीन नहीं है, यानी वह हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पे है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट पर एक लाइट हाउस स्थित है। 2004 में आए एक सुनामी के कारण यह डूब भी गया था, और इसके पास ही गलाथिया नेशनल पार्क है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं देश के एक ऐसे किले के बारे में जिसे अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 दिनों तक लगातार तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन फिर भी इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और आज भी 400 सालों से यह किला खड़ा हुआ है। और यह किला है झांसी का किला। आज भी लाखों लोग इस किले को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह किला महारानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने यहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। इस किले को 1613 के आसपास ओरछा के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने बनवाया था। यह किला बंगरा नाम की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। किले से पूरे शहर को देखना एक बेहद खूबसूरत नजारा होता है। यह एक बहुत विशाल किला है जो कि लगभग 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।